बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट, आज का जो प्रैक्टिकल हमारा टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ लिक्विड यूजिंग 5 ml सिरिंज। तो लिक्विड की डेंसिटी फाइंड करनी है 5 ml सिरिंज को इस्तेमाल करते हुए। तो ये सारा इसका प्रोसीजर है। प्रोसीजर से पहले हम देखते हैं जी, ऑपरेटर्स कौन कौन सा चाहिए हमें। 5 ml डिस्पोजेबल सिरिंज चाहिए, लिक्विड चाहिए, वाटर और वेट बक्स, बीकर, फिज़िकल बैलेंस, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। तो चलें जी, अपरेटस में दिखाता हूँ आपको अपरेटस कौन कौन सा इसमें रिक्वायर्ड है। ये है मेरे पास डिजिटल फिज़िकल बैलेंस है ये, ठीक है। और ये बीकर है, बीकर में मैंने क्या लिया हुआ, पानी लिया हुआ है। थोड़ा सा पानी मुझे चाहिए जो मैं सिरिंज में डाल के उसको मैयर करूँगा। तो ये है मेरे पास सिरिंज, ठीक है। 5 ml की तो नहीं मिली, अलबत्ता ये 10 ml की है, तो इससे आप समझ सकते हैं इजीली। ये है 10 ml की, ये सिरिंज है मेरे पास, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अभी हम परफॉर्म करने लगे। परफॉर्मेंस में हमें जो है सबसे पहले जो प्रोसेस करना है ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन में से, वो है मास ऑफ सिरिंज। वो मास ऑफ सिरिंज मैंने मेजर करना है, वो कितना है। अब मास ऑफ सिरिंज में सबसे पहले एमपीटी मास ऑफ सिरिंज का करता हूँ, ठीक है। एमपीटी मास ऑफ सिरिंज मैं सबसे पहले इसको ऑन करता हूँ, ठीक है। ये ऑन हो गया, इसमें दो रीडिंग है। ऊपर वाली जो है ये अगर एरो नज़र आ रहा है आपको, तो ये एरो ग्राम पे है, ग्राम में मुझे वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। इसमें एरर कोई नहीं है, जीरो है, ठीक है, ओके। चलें जी, कितना आ गया, 7 ग्राम। चलें जी, मैं 7 ग्राम यहाँ पे पुट करता हूँ, लिखता हूँ मैं 7 ग्राम। यहाँ पे 18 ग्राम की बजाय मैं कितना लिखता हूँ जी, 7 ग्राम। इसी तरह रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर स्टूडेंट 27 डिग्री है, यहाँ पे होते ही रूम टेम्परेचर 27 डिग्री यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन में अगर आप देखें, मास ऑफ सिरिंज विद लिक्विड, लिक्विड के साथ कितना इसका मास हो जाएगा। फिर मास ऑफ लिक्विड जो है वो फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, वो करना पड़ेगा m2 - m1, मीन जो m2 हमारे पास ये आया और m1 हमारे पास ये 7 ग्राम आया। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 15 है, तो मेरे पास 15 नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पास एमपीटी सिरिंज का मास कितना है जी, 7 ग्राम है। और मैं जो है इसमें वाटर लेता हूँ, थोड़ा सा वाटर मुझे चाहिए। चलें मैं इसको परफॉर्म करने लगा हूँ। अब मैं चेक करूंगा कितने ml मैंने जो है वो लिया, 3 ml है, ठीक है। ये देखें आप, 3 ml, 3 ml मैंने लिया। तो चलें जी, अभी मैं मेजर करता हूँ। पहले 7 था इसका, अब कितना हो गया, 11। ये देखने कितना आया, 11 ग्राम। तो चलें यहाँ पे लिखता हूँ मैं 11। इसी तरह मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड कितना होगा, m2 - m1, m2 मेरे पास आया 11 और m1 मेरे पास कितना है, 7। तो कितना बचा जी, 11 में से 7 निकले, 4, ठीक है, 4 ग्राम आ गए। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना लिया हुआ हमने, 3 लिया हुआ, ठीक है, 3 ml। तो मैंने इसको लिख लिया। अब डेंसिटी फाइंड करने के लिए मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो मास स्टूडेंट हमारे पास ये है 4, क्योंकि वाटर वाला मास करना है, तो 4 है। 4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है, 3। तो 4 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो ये तकरीबन 1.5 तकरीबन आ रहा है, ये पहली रीडिंग होगी। इसी तरह स्टूडेंट आपने दूसरी रीडिंग के लिए क्या करना है, दूसरी रीडिंग के लिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये पहले 3 था, अब थोड़ा सा लेवल और बढ़ा लें, ठीक है। स्टूडेंट मैंने अब 6 ले लिया, 6 ml, कितना रखा मैंने, 6। चलें जी अब देखते हैं, देखें यहाँ 6 करके कितना आया, 14। यह है 14, यहाँ पे रखी हुई 14, इधर लिख लेता हूँ मैं 14। और 7 तो नहीं है, क्या करेंगे, 14 - एमपीटी सिरिंज का कितना है, 7।
कितना आएगा? 14 में से 7 निकला तो कितने बचे? 7, 7 ग्राम। तो कितना लिया हुआ स्टूडेंट? हमने 6 लिया हुआ, 6 ml। ये देख लें 6 है तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 6 ml। तो डेंसिटी फाइंड करने के लिए 7 डिवाइडेड बाई 7, ये मास जो है, डिवाइडेड बाई 6, ये भी तकरीबन स्टूडेंट 1.4 आ रहे हैं। अब ये दो रीडिंग होगी। तीसरी के लिए आपने ये करके लास्ट पे क्या करना है, मीन ऑफ डेंसिटी, मीन फाइंड करना है तीनों को जमा करके डिवाइड बाई 3, तो आपके पास मीन आ जाएगा। मीन भी तकरीबन 1.5 के करीब आएगा, 1.5 ग्राम डिवाइड बाई सेंटीमीटर का क्यूब। तो सो रिजल्ट पे भी आपने ये जो मीन होगा ये रिजल्ट में आपने लिख लेना। तो इस तरह आपका ये प्रैक्टिकल क्या हो जाएगा, कंप्लीट।